हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम ज़्यादातर लोग वेट कर रहे हैं नारसेट रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट आने के बाद सीट एलोकेशन प्रोसेस भी चालू हुआ है। सीट एलोकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ गया है, ये देख सकते हैं इधर। फाइनल नोटिफिकेशन, फाइनल सीट एलोकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट निकाल चुका है। देखते हैं इधर क्या क्या दिया गया है प्रोसेस एंड कितना कट ऑफ निकाल चुका है। देखते हैं इधर आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एग्जामिनेशन सेक्शन अंसारी नगर न्यू दिल्ली एंड रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर 23/2022 डेटेड 3/2/2022 अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2021 द नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है एंड डेट 3/2022 एंड देखते हैं इधर क्या क्या दिया गया है इसमें। द ऑनलाइन एलोकेशन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 2021 एम्स न्यू दिल्ली एंड एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स दियोगर, एम्स गोरखपुर, एम्स जोधपुर, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स पाटना, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स बीबी नगर, एम्स बिलासपुर, एम्स राजकोट, एम्स विजयपुर, डॉक्टर राम मनोहर लाल लोहित हॉस्पिटल एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, KSH एंड LHMC हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन अप्लीकेशन फॉर अलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट on the basis of NARSET rank and exercise by the provisionally eligible candidate from 4/1/2022 to 10/1/2022 up to 5 PM and extended till 15/1/2022 up to 5 PM। ये पहले सीट एलोकेशन के लिए सीट एलोकेशन के लिए पहले 4/1/2022 टू 10/1/2022 तक दिया गया है, देन इट एक्सटेंडेड अप टू 15/2022 यही दिया गया इधर पूरा। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल हैज बीन डन ऑन द बेसिस नॉट रैंक नॉट रैंक नॉट सेट रैंक के अनुसार ये दिया गया है एंड एप्लीकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन नेशनल एलोकेशन एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट द जनरल रूल्स फॉर ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन एलोकेशन इज डिस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। चलिए देखते हैं क्या क्या मेरिट दिया गया इधर, किस किस को सिलेक्शन हो गया है। पहला दिया गया है इसमें रैंक वाइज लिस्ट ऑफ एलोकेटेड इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल इज फॉलो। इसमें रोल नंबर दिया गया है, रोल नंबर कैटेगरी PWD कैंडिडेट है तो इधर दिया जाता है एंड जेंडर जेंडर भी दिया गया है। ऑल ओवर रैंक, ऑल ओवर इंडिया रैंक, एलोटेड एम्स। इसमें देखते हैं इधर मेरिट, मेरिट OBC इसको मेरिट पे सिलेक्शन हो गया है मेरिट एंड फर्स्ट रैंक को जोधपुर मिला चुका है एंड सेकंड में फर्स्ट रिजल्ट में फर्स्ट 4 सीट OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए आ गया है। इसमें फर्स्ट रैंक वाले को एम्स जोधपुर मिल गया है एंड सेकंड रैंक एम्स दिल्ली, थर्ड रैंक एम्स जोधपुर, फोर्थ रैंक RML हॉस्पिटल। मोस्टली इनको मार्क परसेंटेज सेम आ गया है, इसको एज एंड इसमें नेगेटिव मार्क्स के अनुसार इसको इनको
और रैंक दिया गया है आगे पीछे हो गया, लेकिन इसका मार्क्स सेम आ गया है। चलिए देखते हैं और क्या दिया गया है इसमें, देखते हैं क्या क्या कट ऑफ दिया गया है। एससी मेल, एससी फीमेल, एससी मेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एससी फीमेल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को देखते हैं क्या रैंक कितना कितना आ गया है, रैंक कितना कट ऑफ आ गया है। चलिए देखते हैं, पहले एससी मेल कैंडिडेट को 3868 रैंक तक कट ऑफ निकाल चुका है, इसको एम्स डियोगर मिल चुका है, मिल गया है। इसको देखते हैं रैंक 3868 रैंक है, इधर देख सकते हैं एससी मेल कैंडिडेट है 3868 रैंक तक एम्स डियोगन मिल चुका है। एंड बाद में देखते हैं, एंड एससी फीमेल कैंडिडेट रैंक, फीमेल कैंडिडेट के लिए, एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए 7411 रैंक तक कट ऑफ आ गया है। एंड फीमेल कैंडिडेट को भी एम्स डियोगर मिल चुका है। इसको देखते हैं कि 7411 रैंक, 7411 रैंक, चलिए ये इधर आ गया है, देखते हैं एससी फीमेल कैंडिडेट एम्स डियोगर मिल चुका है, एससी फीमेल कैंडिडेट है। एंड देखते हैं बाद में, इसके बाद एससी मेल पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट का कट ऑफ 28940 रैंक तक सिलेक्शन हो गया है, उनको सफदरजंग हॉस्पिटल मिल चुका है। इसको भी देखते हैं रैंक किधर दिया गया है, 28000 बोले तो लास्ट में रहता है, लास्ट में, लास्ट तक, लास्ट रैंक तक देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं 28000 एससी मेल कैंडिडेट के लिए या सफदरजंग हॉस्पिटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिल चुका है। एंड इसके साथ एससी फीमेल कैंडिडेट के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए लास्ट रैंक देख सकते हैं, लास्ट रैंक एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फीमेल 30030 रैंक है, एम्स बिलासपुर मिल चुका है। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी कैंडिडेट में, चलिए इसके बाद एसटी कैंडिडेट के देखते हैं एसटी कैंडिडेट में के रैंक तक, किस रैंक तक सिलेक्शन हो गया है। एंड इधर ही है एससी सॉरी एसटी फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को 10728 रैंक तक सिलेक्शन हो गया है, इसको एम्स गोरखपुर मिल चुका है। इधर ही है देख सकते हैं, इधर एम्स गोरखपुर मिल चुका है। एंड एंड देखते हैं एंड एसटी मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट को 10023 रैंक तक सिलेक्शन हो गया है, इसको एम्स पाटना मिल चुका है। क्योंकि एसटी कैंडिडेट्स में ज़्यादा कम कैंडिडेट्स है, इसलिए सिलेक्शन लगभग ज़्यादा कैंडिडेट्स को हो गया है। एंड देखते हैं इसका रैंक किधर ही है, 10023 इधर आसपास में रहते हैं, 10000 देख लीजिए इधर एसटी मेल कैंडिडेट है,
एम्स पार्टनर मिल चुका है, एम्स पार्टनर मिल चुका है। एंड देखते हैं ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी मेल में 2481 रैंक तक हो गया है एंड इसको 81 रैंक तक हो गया है। इसको एम्स एम्स बीबीएसआर भुवनेश्वर मिल चुका है। चलिए देखते हैं, तो रैंक 2000 रैंक है, 2000 रैंक है, तो स्टार्टिंग में 2800 481 481 रैंक है, फिर आ गए हैं 481 रैंक है। ओबीसी मेल के अंदर लास्ट रैंक है, कट ऑफ के लिए भुवनेश्वर मिल चुका है। एंड ओबीसी ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट को, ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को 5000 16 रैंक तक सिलेक्शन हो गया है। ओबीसी फीमेल 5016 रैंक तक सिलेक्शन हो गया है। एंड इसको एम्स पाटना ना अलर्ट हो गया है। एंड देखते हैं बाद में इसका, ओ 5000 5016 रैंक है, एम्स पाटना मिल गया है ओबीसी फीमेल कैंडिडेट। एंड ओबीसी मेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी मेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ओबीसी मेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 19,624 रैंक तक हो गया है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मेल के लिए एम्स भोपाल मिल चुका है। एंड एंड ओबीसी फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में इधर इधर ही ये रैंक देखते हैं, इधर 19,916 रैंक तक एम्स जियोकर मिल चुका है फीमेल कैंडिडेट के, ओबीसी फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में। एंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट। और ई डब्ल्यू एस कैटेगरी में ई डब्ल्यू एस मेल मेल को 4,286 रैंक तक सिलेक्शन हो गया है। एंड एम्स इसको एम्स मंगलगिरी अलॉट हो गया है। एंड इसके रैंक देखते हैं कि 4,286 रैंक है। ईडब्ल्यूएस मेल लास्ट रैंक है, ये वाला एम्स मंगलगिरी मिल चुका है, मेल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस 4,186 रैंक है। एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट को ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट को 8,095 रैंक तक हो गया। इनको एम्स डियोगर मिल चुका है। इसको देखते हैं रैंक किधर है, 8,895 8,895 रैंक है ईडब्ल्यूएस लास्ट रैंक है फीमेल कैंडिडेट के लिए, एम्स जियोकर मिल चुका है। ये फ्रेंड्स इस प्रकार कैटेगरी वाइज रैंक कट ऑफ दिया गया है, इसको सिलेक्शन हो गया है। इसका जल्दी
अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यू करने का वो एम्स दिल्ली प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए ऑल डॉक्यूमेंट्स की रेडी एज सून एज पॉसिबल दिस वैकेंसी वैकेंसी फिल करने का कोशिश कर रहे हैं एम्स दिल्ली, इसलिए ऑल डॉक्यूमेंट्स को जल्दी रेडी करके रखना है एंड देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस है तो सिलेक्शन लिस्ट के। ये प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑल फुलफिल क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद अपॉइंटमेंट ऑर्डर इश्यू किया जाता है। इधर दिया गया है, इधर ऑल एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का लोकेशन दिया गया है एंड इसमें सिलेक्शन नौकर के रैंक के अनुसार हो गया है, सेलेक्ट किया गया है एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स पे भी सब्जेक्टिव एग्जामिन था और इनको भी सिलेक्शन वेरिफिकेशन के टाइम पे इसको पर्टिकुलर बोर्ड पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट्स को फिर से एग्जामिन करेगा एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेडी करने को बोला गया है इधर एंड एम्स में कोई ना कोई आपको होना है। अब क्या करना है, अभी आप ऑप्शन टू चूज करना है इसमें आपको एम्स दिल्ली ओके बट एम्स दिल्ली ओके बट आप फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड हो गया है, क्योंकि आपको ऊपर वाला आप चॉइस में ऊपर क्लिक किया
गया एम्स आपको पसंद है, आप ऑप्शन टू में एक्सेप्ट ऑप्शन टू चूज करके फर्दर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने का प्रयास करेंगे। करने के बाद आपको 25,000 रुपीस डिपॉजिट करना है। ऑप्शन टू चूज करने का 25,000 रुपीस आपको डिपॉजिट करना है, क्योंकि आपका ऑप्शन टू को चूज करने का आपका सीट रिजर्व रहेगा। आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपको ऊपर वाला एम्स मिल चुका तो ओके, बट आपको नहीं मिल गया तो एम्स दिल्ली में जान करना होगा, उस टाइम पे आपको 25,000 रुपीज़ रिफंड कर दिया जाता है। एंड ऑप्शन वन में आपको पहले एम्स बीबीएस मिल चुका है, आपको पसंद है, आप ऑप्शन वन चूज करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइन करना है। यही इधर दिया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड डॉक्यूमेंट्स पूछा गया है, इधर देखते हैं। एंड साइट में आपको एक्सेप्ट करके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इधर ऑप्शन वन ऑप्शन टू इधर आता है। एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10 प्लस मार्क्स अपलोड किया जा सकते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स शीट्स अपलोड किया करना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप आप अप्लाई करने के एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल करना RNRM अपलोड करना है। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनके साथ डिप्लोमा कैंडिडेट्स को इसमें नंबर ऑफ डेट्स एंड एक्सपीरियंस ड्यूरेशन मेंशन करना पड़ेगा कंपल्सरी। यूनिवर्सिटी आप पहले से गवर्नमेंट जॉब कर रहे तो नो ऑप्शन सर्टिफिकेट सबमिट किया करना है। एंड OBC STS का यूरोप कैंडिडेट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका डेट्स देखना है, डेट्स आगे बताऊंगा आपको। यूरोपियन कैंडिडेट्स शोइंग 30 बीडब्ल्यू कैंडिडेट पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड अप्लाई करने के टाइम पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एंड एडमिट कार्ड भी सबमिट करना है, कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड, गवर्नमेंट अथॉरिटी का आंसर दिया गया, और आईडी प्रूफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन इंप्रेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन फॉर्म आपको सेलेक्टेड एम्स है ना वो पोर्टल पर दिया जाता है फॉर्मेट। कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ है तो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अनुसार दिया गया है। एड्रेस आपको देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेशन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड। आप अप्लाई करने के टाइम पे क्या अपलोड चूज करना होगा, तो अपलोड करने का टाइम पे आपको क्या सेलेक्ट किया है वो लेके जाना है। पहले कैडेट सर्टिफिकेट इसमें जब डेट दिया गया है OBC कैंडिडेट के लिए, OBC सर्टिफिकेट के लिए, OBC फॉर्मेट है, इसके फॉर्मेट में दिया जाता है सर्टिफिकेट। तो OBC कैंडिडेट को फॉर्मेट डेट्स इसके बीच में होना चाहिए, देखते हैं 1/4/2021 टू 3/31/3/2022 के बीच में सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड EWS कैंडिडेट के लिए अभी इधर दिया डेट दिया गया है, इसके डेट के बीच में होना चाहिए। एंड इस रिजल्ट कैट हाई कोर्ट दिल्ली कैट के अंडर दिया गया है। कैंडिडेट्स ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया तो उनको कैंसिल करने का अथॉरिटी है। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, यानी द एडिशनल कम्युनिकेशन शेल बी मेड ओनली थ्रू रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी। आप अप्लाई कर आप अप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दिया जाता है, वो नंबर पे कुछ इन्फॉर्मेशन भेज दिया तो उन्होंने भेज सकते हैं, उस लिए और ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर को एक्टिव रखना है। एंड बार बार साइट को विजिट करके आप पता चल सकते हैं, साइड भी दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है नर्सिंग टॉपर्स नाम पे, इसमें ऑल MCQ एंड इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अपलोड किया गया है।
उसमें आप विजिट इंस्टाग्राम में विजिट करके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी नाइटिंग नर्सिंग टॉपर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी है 6304137061 नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं ग्रुप में ऐड कर दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।